तो एक तो लग गई भाई लगभग। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और यार सुबह सुबह घर में हो गया थोड़ा सा टेंशन का माहौल। वो जो ने पता नहीं अपनी गोल्ड रिंग कहाँ पे रखे, मतलब वो भूल गया, तो सारे घर वाले ढूंढ रहे हैं, मम्मी पापा वो, और मैं भी अब जाके थोड़ी सी उनके हेल्प कर देता हूँ। घर में ही होगी वैसे, जाएगी कहाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ रख के भूल गया, मिल ही नहीं रही है मम्मी को भी और किसी को भी, तो एक बार मैं भी उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। भाई सब कुछ उथल पुथल कर दिया मम्मी ने, और मम्मी लेट के ढूंढ रही है बेड के नीचे, और उज्ज्वल अब गाड़ी में गया देखने। इतना बेवकूफ है, गाड़ी में रख रखी है इसने अंगूठी, और पूरे घर में सामान इधर उधर करवा दिया, मम्मी की मेहनत लुटा दी, सबकी मेहनत, सबसे मेहनत करवा रहा जब से, और गाड़ी में रख के भूल गया। अरे तुम कमरे की हालत देख लो भाई इसके, मम्मी ने इतनी मेहनत कर दी। हाँ भाई कंटेंट क्या मिल गया, इतना दिमाग ना, पहले गाड़ी में देख लेता जब रात बाहर गया था तो। अंगूठी तो मिल गई, लेकिन मम्मी का बहुत ज्यादा काम बढ़ गया, मम्मी को एक तो करवा ली, एक दो घंटे लगे अंगूठी इसकी, और अंगूठी मिलते ही चल दिया गाड़ी लेके। तो क्या करना है, चलो अपनी गाड़ी थोड़ा सा करवा लेता काम, हम अपना करवाते हैं का काम करो। टेंशन कर दी मम्मी की, मैं ना पियूं एक ही बोलियो, एक छील दियो। ओ भाई हवा चल रही है, मौसम बढ़िया हो गया। भाई अब हो गई गाड़ी पैक, ये कटलर्स लगवा लिया गाड़ी में सारे शीशों पे और पीछे भी, और वो जो पोर्शन बचा है उसका जुगाड़ करते हैं अभी, और पीछे बैक में भी ये पीछे वाले शीशों में जो साइड में बच गया जो कटलर्स कवर नहीं कर पाए, अब इनका जुगाड़ करते हैं। दोस्त ये जो शीशे में गैप बच रहा है ना, क्वार्टर पे ब्लैक कर दे इसको। कितनी देर का काम है? 5 मिनट। बस ठीक है, यहीं से मैंने अपनी बाइक पे अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखवाया था, और यहीं से अपनी गाड़ी पे करवा रहे हैं। पेड़ के नीचे खड़ी रहती है, देखो बारिश वाला मौसम हो गया है प्रॉपर। ब्लैक जेड करवा लिया है, फिल्म चढ़वा लिया उस पर, और दोनों पे हो गई है, अब बस पेमेंट करनी है और फिर चलते हैं घर। तो अभी फिल्म तो चढ़वा ली थी शीशे पे, और गाड़ी बहुत ज़्यादा अंदर से गंदी हो गई है, क्योंकि खाटू श्याम जी भी गए थे, और मतलब जब से आई है धुली नहीं है, और अंदर से मैट वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा कचरा वगैरह हो गया, रैपर्स वगैरह। तू ही कर, तो मैं ही करूँ बिल्कुल, तो रैपर्स वगैरह हो गए, तो वॉशिंग स्टेशन आए गाड़ी धुलवाने के लिए। अगर भीड़ नहीं हुई तो, अगर भीड़ हुई जो कि है, अब वापस घुमा लेंगे। हाँ है, देख कंजर खाली पड़ा है। अरे तू मुझे छोड़ के आ जाता ना, तेरे बिन काजी लगा है, हाफ गर्लफ्रेंड हो रही है तू मेरी। चल जल्दी करवा ले फटाफट, फिर वॉशिंग करवाने के बाद चलेंगे घर। भाई मैं तो इसे बोल रहा था अगर भीड़ हुई ना, एक भी गाड़ी हुई तो घर वापस चलेंगे, पर किस्मत ऐसी है पूरा खाली पड़ा है, पर ठीक है धुल जाएगी तो गंदी भी हो गई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था, नींद आ रही थी। वहाँ पे वैक्यूम हो रहा है गाड़ी के अंदर,
और ये देखो छोटे छोटे बच्चे आज वॉक पे निकले हैं। ओए छोटे, ओए इधर आ, इधर आ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ छोटे। थोड़ा सा प्यार मिलते ही, थोड़ा सा प्यार मिलते ही कुछ हो गया, कुछ हो गया। ओए 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 ओए, क्यूट हो, कितना क्यूट है भाई। ओए यार चट रहा है, बदतमीज हो चट रहा है, हाँ बदतमीज हो चट लो भाई, लड़ेगा लड़ेगा। घूमे घूमे करने चला गया भाई ये तो अब चमक जाएगी, धुलनी शुरू हो गई है। तो गाड़ी तो धुल गई है, लेकिन एक बात की मुझे टेंशन हो रही है कि बारिश वाला मौसम हो गया भाई, धुलवाने का कोई फ़ायदा होगा? मुझे तो लगता नहीं है, बारिश आएगी पहले से भी ज़्यादा गंदी हो जाएगी। खैर चलो देखते हैं। गाड़ी तो चमक गई है, पर कितनी देर के लिए वो देखना पड़ेगा। अंदर से तो हो ही जाएगी साफ, बाहर से तो गंदी हो जाओगी, लेकिन अभी लेकिन अंदर जो गंदगी थी, रैपर्स वगैरह, मैट वगैरह, सब कुछ जो खा खा गया तो इसमें गिर रहा है वो सब। हाँ मैं ही तो खा के गिर हूँ, मैं ही हो रहा हूँ इतना खागड़। इतने तगड़े एरोडायनामिक्स हैं इसके, लुक्स के ऊपर ही दी गई है, नहीं तो कोई वो नहीं। जबरदस्त भाई, मैं तो सोच रहा था कि बारिश आएगी, बारिश वाला मौसम हो रखा था, और गाड़ी धुलवाने का कोई फायदा नहीं होगा, गाड़ी दोबारा से पहले से भी गंदी हो जाएगी। लेकिन भाई मौसम देखो, धूप निकल रखी है तेज वाली, और आज भी काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रखा है, पर मौसम बिल्कुल साफ है, और धूप की आज भाई बहुत तगड़े वाली। तो गाड़ी तो गंदी नहीं हुई अपनी, सही करा धुलवा ली। शुरू हो गया भाई अनुपमा, तो अनुपमा सब सवर के बैठ के देखा, वो मेरा जरा रामायण चल रही हो, पल्लू वल्लू ढक के अक्षर पे पल्लू ना रख के ये सजल लगी है अनुपमा। तू ना सच के बैठी है, जीत तो क्या हो रही है, इमोशनल पार्ट चल रहा है भाई अभी अनुपमा में। मैं हंस क्यों रही हो जब रोना थोड़ा चल रहा है तो दूसरों के दुख में ना, दूसरों के दुख में खुश हो रही है ना कौन सी फिल्म का गाना है, देख रखी है तुमने, बताओ कौन सी? करीना कपूर वाली, भटिंडा जाना है ट्रेन वाला हाँ बावली सी फिर क्या 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 अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ अनुपमा भी खत्म हो गया, अनुपमा भी देख लिया। और गाड़ी पे कटलर्स और ब्लैक फिल्म लगने के बाद है ना भाई, गाड़ी बिल्कुल ब्लैक जेड हो गए हैं शीशे। तो वैसे तो चलान होता है, लेकिन वो ब्लैक फिल्म पूरे शीशों पे कवर करवाने पे होता है, और कटलर्स का इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। वैसे कटलर्स पे भी चलान है, लेकिन ठीक है कटलर्स मैनेज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर सारे शीशों पे फिल्म चढ़वा लेते तो दिक्कत है भाई, उस पर तो हैवी चलान है, गाड़ी बॉन्ड तक हो जाती है, मतलब गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन हमने पूरे पे नहीं करवाया, हमने सिर्फ कटलर्स लगाए हैं, और थोड़ा बहुत जो गैप बच गया था पीछे वाले दरवाजों पे वो कवर कराया ब्लैक फिल्म से। ये व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल इस व्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आया वो तो कमेंट से बताना, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इस व्लॉग को मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।